हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज का वीडियो एक सीरीज में बनने वाला है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिवाली आने वाली है, नवरात्रे आने वाले हैं, दशहरा आने वाला है, तो सब लोग मोस्टली इसी टाइम अपने टू व्हीलर लेते हैं। तो उसके लिए हमने लॉन्ग टर्म रिव्यू करेंगे, हम गाड़ियों के माइलेज के बारे में बताएंगे, कंडीशन बताएंगे, और मोस्टली जो एक दो साल तीन साल गाड़ियाँ हो चुकी है जिनको, क्योंकि गाड़ी हम एक बार लेते हैं कम से कम 5 साल चलानी पड़ती है, तो आपको उस फैसले पर रिग्रेट नहीं हो। उसको जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको ये सीरीज के सारे वीडियो आए तो पता लगते रहें। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं TVS रेडॉन। इसमें और स्प्लेंडर प्लस में बहुत बड़ी टक्कर है, बहुत धांसू टक्कर है, माइलेज को लेके, लुक को लेके, पावर को लेके, उन सभी के बारे में हम बताएंगे। तो चलिए फटाफट से पहले एक लुक, एक नज़र मार लेते हैं गाड़ी पे, फिर हम करने वाले इसका माइलेज टेस्ट, बहुत ही बेहतरीन वाला माइलेज टेस्ट करेंगे। तो फटाफट से चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये TVS रेडॉन, 4 साल हो चुके हैं इस गाड़ी को, 2020 का मॉडल है, एकदम टॉप नॉच कंडीशन में अभी तक, देख सकते हैं। ये देखिए, लुक बहुत ही बढ़िया है इसका, फ्रंट लुक देख लीजिए एक बार। तो ये है इसका फ्रंट लुक, किक आता है, 4 गियर बॉक्स आते हैं। मीटर कंसोल की बात करें तो ये देखिए, सबसे बेहतरीन मीटर कंसोल आता है, 4 व्हीलर जैसा। ये आपका स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर नहीं है इसमें, सिर्फ पूरा मीटर है, किलोमीटर जितने भी आप चलेंगे। ये आपका फ्यूल इंडिकेटर, साइड इंडिकेटर, मीटर आपको बता देगा न्यूट्रल है या नहीं, इंडिकेटर की लाइट जला देगा, हैजार्ड लाइट नहीं आती है इसमें, साइड इंडिकेटर के आपके नोटिफिकेशन वाली लाइट आती है, इकोनॉमी में चल रही है या पावर में चल रही है ये आपको बता देती है। साथ ही इसमें आता है एक चार्जिंग सिस्टम, तो USB चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर आता है। तो TVS रेडॉन होने वाली है 110cc की गाड़ी। अब इसमें ड्यूल टोन कलर भी आ गए हैं, मीटर भी डिजिटल आ गया है, तो आप देख सकते हैं, आपकी लिस्ट में डाल सकते हैं अगर आप बाइक खरीदने वाले। ये वीडियो तभी देखिए जब आप बाइक लेने वाले हैं या किसी को एडवाइस कर सकते हैं या आपके नॉन रिलेटिव में कोई लेने वाला है। तो चलिए फटाफट से करते हैं इसका माइलेज टेस्ट। फ्यूल मैंने निकाल लिया है, थोड़ी देर चलाते हैं जब तक फ्यूल ख़त्म नहीं होता है, उसके बाद डालेंगे फ्यूल और फिर देखते हैं कितने किलोमीटर तक ये चलती है। और ये देखिए, हमारी गाड़ी का फ्यूल हो गया है ख़त्म, एक ट्राई और करते हैं। ये देखिए नहीं हो रहा, अब हम इसमें डालेंगे ये 0.5 लीटर फ्यूल। लीटर फ्यूल डाल के हम करने वाले हैं इसका माइलेज टेस्ट। अब देख लेते हैं किलोमीटर, किलोमीटर देख लीजिए, 36,875.5, 875.5। अब देखते हैं टोटल कितना चलती है, क्योंकि इसमें कोई ट्रिप मीटर नहीं है। अब देखते हैं स्टार्ट हो पाती है नहीं, एक ही बार में स्टार्ट हो गई है। चलिए अब चलते हैं और दिखाते हैं आपको माइलेज टेस्ट। पचास तक की स्पीड में ये इकोनॉमी पे चलती है, मतलब अच्छा एवरेज देने के लिए चलती है। और ये 5 किलोमीटर हमारे कंप्लीट होने वाले हैं। ये 5 किलोमीटर कंप्लीट हो गए और गाड़ी के 10 किलोमीटर पूरे हो गए हैं। बहुत ही बढ़िया। और ये देखिए, हमारे होने वाले 20 किलोमीटर पूरे।
गए हैं 20 किलोमीटर, गाड़ी अभी भी मेंटेन होके चल रही है और ये हमारे 25 किलोमीटर पूरे हो गए हैं। अभी हम आ गए हैं हाईवे पे, लेकिन स्पीड वही मेंटेन की, वो इकोनॉमी वाली 25 किलोमीटर कंप्लीट, और हमारे 30 किलोमीटर भी कंप्लीट हो चुके हैं और गाड़ी अभी भी चल रही है। और गाड़ी ने झटके देना शुरू कर दिया है, देख सकते हैं। नहीं जाने वाली है इसके आगे, और बंद हो गई है फाइनली। तो फाइनली बंद हो गई है, ये देखिए अभी स्टार्ट भी नहीं हो रही है। तो अब देखते हैं फाइनल किलोमीटर कितने आई है, ये देखिए। अच्छा, किलोमीटर देखने से पहले एक इम्पोर्टेंट चीज, अभी हम इसका एक और टेस्ट करेंगे जो हम 70-80 की स्पीड में चलाएंगे, तो हाई स्पीड में चलाएंगे और फिर देखेंगे माइलेज कितना देती है। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कर दीजिए फटाफट से, ताकि और भी गाड़ियों के रिव्यू आपको मिलते रहे फटाफट। और ये देखिए फाइनल किलोमीटर 69073, यानी 31.8। हमने इसमें डाला था आधा लीटर थे, उसके हिसाब से चलिए 31.8, तो अगर मल्टीप्लाई कर दे 2 से तो ये होता है 63.6। तो एवरेज देख लीजिए कैसा है, गाड़ी आपको लेनी है, पसंद आती है, हालांकि सीट वगैरह लंबी है, चौड़ी है, साउंड वगैरह बढ़िया है। तो अब करते हैं दूसरा टेस्ट जो हम चलाएंगे 70-80 की हाई स्पीड पे। चलिए, ये हमने ले लिया आधा लीटर, अब इसमें डालेंगे। किलोमीटर देख लेते हैं 907.3, स्टार्ट हो गई है एक बार में। चलिए अब चलते हैं फटाफट से हाई स्पीड पे। ये देखिए चलने वाले हम 70-80 की स्पीड में, उसमें क्या एवरेज है कि देखते हैं। बंदी हो गई है, ये देख सकते हैं।
देखिए अभी स्टार्ट ही नहीं हो रही है, तो फाइनल किलोमीटर देख लेते हैं अब इसके। तो इसके फाइनल किलोमीटर है 31,931.5, यानी ये 25 किलोमीटर भी नहीं चल पाई है पूरी। 24.2 किलोमीटर। तो इसका टोटल एवरेज 48.4 आया है हाई स्पीड में, जो कि शायद 150 cc बाइक का भी यही आता है अगर आप इसी स्पीड पे चलाएंगे 70-80 की। तो अगर आप ट्यूरिंग के लिए बाइक लेना चाहते हैं तो देखिए आपको लेनी चाहिए थोड़ी हैवी बाइक, थोड़ी महंगी पड़ेगी, लेकिन अगर लंबे टूर पे जाते हैं तो वो स्टेबिलिटी भी उसकी अच्छी होती है, पिकअप भी अच्छा होता है, टॉर्क भी अच्छा होता है और माइलेज लगभग बराबर होता है इसके, ठीक है। अगर आप इकोनॉमी के हिसाब से चलते हैं, सिटी में चलाना चाहते हैं, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, जिसमें इसका एवरेज 63.6 था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली और भी वीडियो मिलती रहे। माइलेज में हम 3 गाड़ियों को करने वाले हैं, TVS Radeon का हो चुका है, अब बजाज प्लेटिना और उसके बाद हम करेंगे स्प्लेंडर प्लस। तीनों गाड़ियों का आपको मिलना चाहिए वीडियो, तो उसके लिए बेल आइकन दबा दीजिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, जय हिंद।